स्वागत तो है आप सभी का हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी में ये तो हम जानते हैं कि जो डीजल इंजन है ना लोग खरीदना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस माइलेज और जो एक फन टू ड्राइव फैक्टर होता है ना वो आपको सिर्फ डीजल इंजन में ही देखने को मिलता है जो पेट्रोल इंजन में आपको नहीं देखने को मिलता है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इस समय केवल चार ही ऐसे मैन्युफेक्चरर्स है जो आपको डीजल इंजन प्रोवाइड कर रहे हैं हुई की वेन्यू किया हालांकि दोनों में ही सेम डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है क्योंकि सिस्टर पार्टनर अलायंस है इसके अलावा टाटा की नेक्सोन एंड एक्सयूवी वी सबसे पहली बात जो डीजल इंजन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना इन सभी कार्स में ये काफी ट्रस्टेड एंड रिलायबल हैं ऑलरेडी हम इनको मार्केट में देख चुके हैं और चला चुके हैं सो लेट्स स्टार्ट विथ किया सोनेट एंड हुडाई वेन्यू दोनों ही सिस्टर पार्टनर अलायंस हैं और जो इंजन भी है ना वो इन दोनों ही गाड़ियों में सेम ही आपको देखने को मिलेगा इवन

फिगर्स बता देता हूं तो सिटी में अगर आप इसको ड्राइव करते हैं ना तो बिटवीन थर्टीन टू फिफ्टीन के एम का माइलेज आप इसमें क्लेम कर पाएंगे और अगर आप आग इसे हाईवे में ड्राइव करते हैं तो बिटवीन एटीन टू ट्वेंटी के एम आप इसमें क्लेम कर सकते हैं ऑल डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव ये ध्यान रखिएगा कि, कि वेन्यू में ना आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही प्रोवाइड किया जा रहा है डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक यहां पर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है जहां तक आपकी सोनेट की बात है तो सोनेट में आपको देखिए सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिक्स स्पीड आईएमटी एंड सिक्स स्पीड

एम और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात है तो ये थोड़ा ध्यान से, आप कि HTX से आपको एच टी एक्स मॉडल से ही देखने को मिलेगा लेकिन इसकी जो प्राइस है थर्टीन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एक्सोरूम इस समय है प्राइस डिफरेंस आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि आई और टी स्पीड जो टॉक कन्वर्टर है उसमें सिर्फ उजेंड का ही आ रहा है सो इट इज बेटर इफ यू आर प्लानिंग ट्रांसमिशन देन यू शुड गो विद्स इन आई एम टी दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर क्योंकि एट विल ट्राई टू गिव यू दी बेस्ट पॉसिबल सजेशन विच कुड हेल्प इन योर बाइंग डिसीजन talk टॉक अबाउट टाटा देखिए टाटा Nexon में आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलता है।

डीजल ऑफ टाटा नेक्सोन सबसे पहले बात कर लेते हैं से वेरियंट से आपको ये डीजल इंजन देखने, तो तो देखने को मिलता है, इसकी है. जहां तक इनकी की बात है तो प्योर वेरियंट से आपको ए एम ट्रांसमिशन देखने को मिलता है इलेवन लाख सेवेंटी नाइन थाउजेंड एक्सरूम इसकी प्राइस है माइलेज फिगर्स मैं आपके यहाँ शेयर कर देता हूं तो सिटी में ही आपको बिटवीन 13 टू सिक्स का माइलेज आप टाटा नेक्सॉन के डीजल इंजन में निकाल सकते हैं हाईवे में आप एटीन टू ट्वेंटी देखा है लोगों ने टू के भी में मालेज निकाला हुआ है अगेन इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव अब बात करते हैं एक्स यूवी थ्री एक्सो की तो इसमें भी आपको जो डीजल इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है 1.5 1.5 लीटर लीटर का ही है लेकिन यहां पर आपको सेगमेंट की ना बेस्ट स्टॉक देखने को मिलती है 115 PS की पावर एंड 300 हंड्रेड का सेगमेंट बेस्ट स्टॉक आपको एक्सुवी थ्री के डीजल इंजन में देखने को मिलेगा सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड अगेन सिक्स स्पीड आपका ए में जो ये डीजल इंजन है प्रोवाइड किया जा रहा है MX2 वेरिएंट से आपको एक्सुवी थ्री का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा डीजल में आई थिंक इसकी जो प्राइस है इस समय एक्सोरूम नाइन लाख नाइन रखी गई है और एमएक्स थ्री से आपको ए प्रोवाइड किया जा रहा है इलेवन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड एक्स शोरूम इसकी प्राइस है और प्राइस देखिए इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन तो ये आप ध्यान रखिएगा लेकिन MX2 वेरिएंट से आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड MX3 वेरिएंट से आपको AMT प्रोवाइड किया जाए ये आप जान लीजिए कि जो XUV 3XO का डीजल इंजन है इट इज मोस्ट फन टू ड्राइव इंजन नो डाउट बिफोर 1800 RPM तक आपको थोड़ा सा टर्बो लैग महसूस होता है लेकिन द मोमेंट यू क्रॉस दैट 1800 आरपीएम और 2000 आरपीएम वहां पर आपको ना ये पुशबैक है मतलब तो आपको चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है लेकिन जितना आप एक्सोलट करेंगे ना उतना ही आपका ये माइलेज भी ड्रॉप करती है तो फन टू ड्राइव बिल्कुल है सेगमेंट की बेस्ट हैंडलिंग आपको देखने को मिलती है लेकिन ये आपको उतना माइलेज अच्छा नहीं दे पाएगा जितना आपका टाटा नेक्सोन या फिर आपका वेन्यू या फिर सोनेट का डीजल इंजन प्रोवाइड करेगा मॉलिश की जहां तक बात है तो 12 टू 14 के एम मैक्सिमम आप इसमें निकाल सकते हैं सिटी की मैं बात कर रहा हूं एम में तो थोड़ा सा और ये ड्रॉप कर देती है हाईवे की जहां तक बात है ना तो टू पी एल आप इसमें निकाल सकते हैं बट ऑल डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव द दू थ्री एक्सओ ना फाइनली बात कर लेते हैं मेरे सजेशन की या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की तो देखिए इसको मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है द फर्स्ट सेक्शन इज सेफ्टी एंड द अदर सेक्शन इज

अब अगर आप ऑटोमेटिक वेरियंट का प्लान कर रहे हैं इन सभी डीजल इंजन में देन यू कैन डेफिनेटली गो विद सोनेट सिक्स स्पीड टॉक कन्वर्टर देखिए बहुत ही बढ़िया ऑटोमेटिक है और जो गियर शिफ्ट हैं, वो भी काफी आपको फास्ट देखने को मिलेंगे अप शिफ्टिंग की बात करें डाउन शिफ्टिंग की बात करें माइलेज भी आपको उसमें अच्छा मिलेगा तो इफ यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद योर सेफ्टी देन सोनेट का जो डीजल इंजन है स्पेशली जो ट्रांसमिशन है सिक्स स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो सबसे बेस्ट है इन दिस सेगमेंट यस थोड़ा सा ज्यादा आपको प्राइस पे करनी पड़ती है बट ट्रस्ट मी इट इज वर्थ बाइंग जहां तक बात है मैनुअल ट्रांसमिशन की और अगर आप इन चारों ही गाड़ियों में से एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं आपकी अगर प्रायोरिटी माइलेज की है देन अगेन सोनेट वेन्यू या फिर आप टाटा नेक्सॉन इनमें से एक में जा सकते हैं एंड ट्रस्ट मी टाटा नेक्सॉन का जो इंजन है ये थोड़ा ज्यादा आपको माइलेज निकाल के देगा बट इफ यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर फिट फिनिश क्वालिटी इंटीरियर्स तो सोनेट या हुडाई वेन्यू इनकी जो फिट एंड फिनिश है जो क्वालिटी uh, है इवन जो सर्विस uh, सेंटर का एक्सपीरियंस है ना वो आपको बेटर ही देखने को मिलता है इफ यू कंपेयर टाटा और महिंद्रा आई होप फ्रेंड्स आज की जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, तो अगेन आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट है